बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। खबर अर्पित करते हुए आज इस कार्यक्रम के हम लोगों के नेता आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय भीम राजभर जी का मैं अपने दिल की तरह और कभी मेरे की धरती पर और इस द्वाबा की धरती की तरफ से मैं इस कोने कोने से आए हुए सभी नौजवान दोस्तों माताओं बहनों आ सबके गहराई से कभी नगर के स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इस कार्यक्रम के संचालन कर रहे हैं हमारे जिले के जिला अध्यक्ष आदरणीय धर्मदेव पीरदर्शी जी और जवरिया से चल करके आए आदरणीय ज्ञान प्रकाश जी और इस कार्यक्रम में आए और दुबे जी। मैं अपनी इस कार्यक्रम में सबका मैं अपनी दिल की गहराई सबका स्वागत करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के आए हुए सभी नौजवान दोस्तों और माताएं बहने मैं सबको एक विश्वास देता हूँ कि अगर प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं आपके बदौलत मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और यहाँ का चुनाव होने आ रहा है। विधानसभा का चुनाव भी तो 2022 में है, अभी तो रियासत चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव का होने जा रहा है, प्रमुखी का चुनाव होने जा रहा है। आप लोगों की बदौलत यहाँ की जो फरीदाबाद की सीटें हैं आपके आशीर्वाद की बदौलत प्रदेश अध्यक्ष जी को मैं एक विश्वास देता हूँ कि यहाँ के जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी और ब्लॉकों की 9 ब्लॉक की कुर्सी आपके आशीर्वाद की बदौलत आपका भाई यहाँ के छोटा भाई आपका पिता तो बैठे हैं सभी लोग के आशीर्वाद की बदौलत मैं आप सबका बेटा यहाँ मंच पर खड़ा होकर के आप सबके आशीर्वाद से जो जिला पंचायत उम्मीदवार लड़ रहे हैं अब प्रत्याशी जो होंगे पार्टी बसपा से आप लोग उनके समर्थन में किसी बाकावे में ना करके और किसी भी आप लोग बहुत लोग आएंगे यहाँ पर बाकावे में किसी बाकावे में ना करके एक एक वोट दे करके आदरणीय बहन जी के हाथों को मजबूत करना है और 2022 में आदरणीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनाने की हम लोग संकल्प लेते हैं। और इसी तो आवा की धरती पर आप लोगों की बदौलत या आशीर्वाद के बदौलत आदरणीय पिताजी ने यहाँ पे संघर्ष किया है, इसी आतंकवाद के बदौलत आपके आशीर्वाद के बदौलत यहाँ द्वाबा की धरती में लड़ाई लड़ने के लिए किसानों नौजवानों की लड़ाई लड़ने के लिए कभी पीछे नहीं हटे। नौजवान दोस्तों और किसान माताएं बहने आप लोग घबराना नहीं, आपका बेटा खड़ा है आने वाले समय में जब आपका बेटा आपके आशीर्वाद के बदौलत 2022 में इन चुनाव बहन जी के आशीर्वाद से खलियाबाद से चुनाव लड़ रहा है आपका आशीर्वाद मिलता रहेगा। इन्हीं माताओं बहनों और चाचा बुजुर्ग आपके साथ मान सम्मान की लड़ाई लड़ता रहूंगा इस द्वाबा की धरती को पिताजी ने कभी नहीं छोड़ा, मैं भी संकट लेता हूँ इस द्वाबा की धरती पर कभी आप सबके मान सम्मान में कभी आज नहीं आने दूंगा। और सभी तमाम संगठन के लोग बैठे हैं हमारे अतिथि बैठे हैं मैं सबके स्वागत के लिए अपनी तरफ से मैं सबका स्वागत करता हूँ। और आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी का कहना है भाई बहुत कम समय है, मैं अपना पूरा समय आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को देता हूँ। इस कार्यक्रम में आए हुए सभी लोगों को एक बार मैं खुद सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ। आप लोग तो मान बचाइएगा आदरणीय पिताजी का, आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी आए मैं इनको संकल्प देता हूँ यहाँ की जितने सीटें होंगी आपके आशीर्वाद के बदौलत हम लोग जिला करके ही 2022 में और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को बना करके इस चयन पास होंगे। अपनी बात समाप्त करते हैं। जय भीम जय भारत।